हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई, मोस्ट वेटेड मतलब बहुत सारे इस क्वेश्चंस को लेके या इस टॉपिक को लेके बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक को लेके क्वेरीज हो रहे थे। तो आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको पढ़ के भी आप नॉरसेट एम्स नॉरसेट एग्जाम क्रैक कर सकते हो। यस, आप इन टॉपिक को भी पढ़ के नॉरसेट एम्स क्रैक कर सकते हो। देखो, जो हमारा नॉरसेट का एग्जाम का पैटर्न होता है वो हर साल थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई होता रहता है, बाकी क्वेश्चन सेम वही रहते हैं, टॉपिक्स वही रहते हैं, सिलेबस वही रहता है, सब्जेक्ट्स आपके वही रहते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। सब्जेक्ट आपको वही मिलेंगे, आपके जो भी है मेजर सब्जेक्ट, 6 मेजर सब्जेक्ट है जिसपे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो उन 6 मेजर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। आज हम तीन सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम 3 सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो 6 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिसमें हमारा सबसे अच्छा खासा वेटेज रहता है, जो आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन सब्जेक्ट से भी। तो सबसे पहले आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आपके टोटल 11 यूनिट हैं, जिनको आपको पूरा नहीं पढ़ना। मैं भी बोल रही हूँ कि अभी इतना टाइम नहीं है। कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपका, रीनल सिस्टम आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें से, और एक आपका एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम। इनमें से आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो। लाइक आपको इंटोग्रेटिव सिस्टम में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली आप बर्न टॉपिक पढ़ो, ठीक है। एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें, डर्मेटाइटिस, इम्पेटिगो, इनको आप पढ़ सकते हो, थोड़ा ओवरव्यू ले सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है ऑन्कोलॉजी। अब ऑन्कोलॉजी से कुछ कुछ कैंसर्स होती है जिनके बारे में आता है कुछ टॉपिक्स, वो मैं जब MSN के टॉपिक्स डिस्कस करूंगी तो मैं वहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो इन टुडे वीडियो आई विल डिस्कस कि विच टॉपिक्स यू हैव टू स्टडी और विच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एक एम्स नॉरसेट क्रैक करने के लिए FON से पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है OBG, ओब्स एंड गायनेकोलॉजी। तो यही भी इसका भी काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है। उसके बाद आपका आता है साइकेट्री। आजकल साइकेट्री से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। पहले साइकेट्री ना के बराबर आते थे किसी भी एग्जाम में, लेकिन आजकल आप लोगों ने देखा होगा, रिसेंटली आपने 3-4 एग्जाम दिए हैं जहाँ पे साइकेट्री के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो OBG हो गया, साइकेट्री हो गया आपका, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये 6 तो आपके मेजर सब्जेक्ट है नॉरसेट के लिए जिसको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट कुछ माइनर सब्जेक्ट हैं जिसको आप 3 से 4 दिन में 5 दिन में भी पढ़ सकते हो मैक्सिमम। कि कौन सा? माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन हो गया आपका, यही 2-3 सब्जेक्ट आपका, रिसर्च हो गया, मैनेजमेंट हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ये कुछ माइनर सब्जेक्ट हैं जिनके आप PR यादव के पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं सारे सब्जेक्ट के, इनको आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। नेक्स्ट, अच्छा, 6 मेजर सब्जेक्ट में जब आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ोगे तो उसके साथ आपको फार्मेकोलॉजी को भी डील करना है, क्योंकि एम्स फार्मेकोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चंस देता है। तो 1-2 या 3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चंस आपको फार्मेकोलॉजी से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो भाई, आपने देखा होगा, मैंने जैसे कि बताया कि एम्स कभी भी अपना एग्जाम का पैटर्न थोड़ा बहुत मॉडिफाई करता रहता है। कभी इमेज बेस ज़्यादा दे देगा, कभी इमेज बेस कम दे देगा, कभी थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा दे देगा, वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस दे देगा, सिंगल लाइनिंग, लेंथी क्वेश्चंस, एनक्लेक्स बेस, सारा मिक्सअप रहता है। ऐसा नहीं होता कि पेपर पूरा ही एनक्लेक्स पैटर्न आता है, पूरा ही सिंगल लाइनिंग आता है, जैसा कि आपने SGPJ में देखा कि पूरा सिंगल लाइनिंग, ऐसा पेपर आपको नॉरसेट का देखने को नहीं मिलेगा। यस, 200 का पेपर है तो उसमें आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस श्योरली देखने को मिलेंगे, कुछ वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सिंगल लाइनिंग क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, डबल लाइन क्वेश्चंस भी, और एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो एम्स में जो 180 क्वेश्चंस है वो आपके नर्सिंग पोर्शन से आएंगे। तो मैं तो यही बोलूंगी कि ज्यादा पोर्शन आप, ज्यादा फोकस आप अपने नर्सिंग पोर्शन पे ही करें, क्योंकि 20 क्वेश्चंस नॉन नर्सिंग के आते हैं, वो ईजी आते हैं, वो लास्ट के आप 1 वीक में भी, 10 दिन में पढ़ सकते हो, ज्यादा टफ नहीं आते वो। तो
वही पैटर्न रहता है, वही क्वेश्चंस रहते हैं, वही आपका सब्जेक्ट रहते हैं और वही आपका सिलेबस है। कुछ चेंज नहीं होता, बस थोड़ा सा पैटर्न को मॉडिफाई किया जाता है, बाकी वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्योंकि डिजीज कंडीशन तो कभी चेंज नहीं होनी। अब कोई पेशेंट MI का है तो भाई MI लेके तो आएगा ही। अब कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट तो होएंगी फिर तो लेबर में आएंगी ही आएंगे, ठीक है। आप उनसे हॉस्पिटल में डील करोगे ही करोगे। तो एक दिल्ली एम्स की या नॉरसेट की खासियत है, ऐसे टॉपिक्स पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं जिससे आप एवरीडे इन द हॉस्पिटल सेटिंग यू आर डीलिंग विद द पेशेंट। क्योंकि मेन क्राइटेरिया हमारा वही होता है कि अगर आपके पास इस डिजीज पोर्शन का पेशेंट आए तो उसके साथ आप कैसे डील करोगे। तो जो रोज हॉस्पिटल में जो सिनेरियो होते हैं उनके बेसिस पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए कि आप वो काम कर सकते हो कि नहीं, आप उस काम को कैसे कर सकते हो। इसलिए एम्स में क्लिनिकल भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अब हम आज के वीडियो में तीन सब्जेक्ट के टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वो इम्पोर्टेंट जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, सेकंड साइकेट्रिक, एंड थर्ड आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। बाकी MSN, OBG एंड पीडियाट्रिक आई विल डिस्कस इन द अनदर वीडियो। एक और वीडियो जो कल आइए कल ये परस जो कल अपलोड हो जाएगी उसमें मैं डिस्कस करूँगी। तो एक बार ध्यान से सुनना आप लोग, फंडामेंटल के प्रोसीजर, बहुत सारे बच्चों के पास इसके नोट्स अवेलेबल नहीं होंगे और फंडामेंटल का प्रोसीजर पोर्शन एक इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि आप लोगों ने देखा होगा PGI चंडीगढ़, SGPGI, RML में ट्रेक्योस्टोमी, एंडोट्रेकियल ट्यूब, कोलोस्टोमी, इरिगेशन, कैथेटराइजेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऐसे टॉपिक है माय डियर कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आप प्रोसीजर से पढ़ोगे। लेकिन इनको आपको सुपरफिशियली नहीं पढ़ना क्योंकि एग्जामिनर नॉरसेट में बहुत डीपली भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इस प्रोसीजर से। तो आपको यहाँ पे हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आपके पास इन प्रोसीजर के नोट्स नहीं है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें @medical 9 to 5। यहां पे मैंने एक फंडामेंटल के प्रोसीजर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहां पे आप सारे फंडामेंटल के प्रोसीजर पढ़ सकते हो। अब तक मैंने 9-10 प्रोसीजर करवा दिए जो कि मैं एवरीडे एक प्रोसीजर करवाती हूँ, रोज मेरी क्लास होती है लाइव, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लाइव कोई डाउट है तो वहां पर डिस्कस कर सकते हो। बाकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जितने प्रोसीजर आपको देखने हैं और उन प्रोसीजर से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा उस प्रोसीजर से बाहर। तो मोस्टली प्रोसीजर मैंने वहां पे डिस्कस करे हैं तो आप वहां पे देख सकते हैं। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं फंडामेंटल के इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फंडामेंटल के इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो मेजर पोर्शन भाई आपका प्रोसीजर ही आते हैं। अब प्रोसीजर में चलिए स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं। तो फंडामेंटल का वाइटल साइन, फंडामेंटल का वाइटल साइन एक ऐसा है जिसमें हम कार्डिनल साइन पढ़ते हैं। कार्डिनल साइन हर डिजीज कंडीशन में आपको चेंज चेक करने होते हैं, हॉस्पिटल में हर रोज आपको चेक करने होते हैं। तो कार्डिनल साइन के बेस पे भी आप बता सकते हैं कि पेशेंट की बॉडी में क्या चेंजेज हो। वाइटल साइन एक ऐसे साइन है जिनके बेस पे आप ये बता सकते हो कि पेशेंट की बॉडी में क्या चेंजेज है, पेशेंट को क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, हमें पेशेंट की किस पर्पज से भी केयर करनी है। तो वाइटल साइन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका BP आता है, आपका टेम्परेचर आता है, आपका पल्स आता है, बॉडी टेम्परेचर आता है और फिफ्थ होता है आपका पेन जो होता है वाइटल साइन। तो वाइटल साइन को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी वे से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा आता है एसिड बेस बैलेंस। एज यू ऑल नो एसिड बेस बैलेंस से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो पार्सियल पूछे, कंपनसेटेड, अनकम्पनसेटेड, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, किसी भी वे में पूछे वो आपसे पूछेगा। एलन टेस्ट, इसी के साथ एसिड बेस बैलेंस के साथ आप एलन टेस्ट पूछ सकते हो क्योंकि एम्स ने एक बार एलन टेस्ट के ही लगातार 3 क्वेश्चन रिपीट कर दिए थे। तो कई बार एम्स ऐसा करता है कि एक ही क्वेश्चन के बारे में आपसे डीप नॉलेज जानने के लिए वो उसी टॉपिक से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस रिपीट भी कर देता है। लास्ट टाइम कम्युनिटी के कॉन्ट्रासेप्टिव से IUCD से 3-4 क्वेश्चंस आए थे। तो वो ये जानना चाहता है क्या आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डीप नॉलेज है जो आप हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ डील करोगे, ठीक है। चलिए तो उसके बाद वाइटल साइन हो गया हमारा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मेटाबॉलिक एसिड बेस बैलेंस जिसमें आपने एलन टेस्ट पढ़ा, आईवी फ्लूड जिसमें हम टाइप ऑफ आईवी फ्लूड पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, आईवी फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, जिसमें हम आइसोटोनिक हाइपरटोनिक के एग्जांपल पढ़ते हैं किस कंडीशन में कौन सा सॉल्यूशन देते हैं, ये सारी चीजें, इलेक्ट्रोलाइट हाइपरकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया, ECG चेंजेस, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, इन सारे इसमें आपका एडिमा भी आता है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस में आपका एडिमा भी आता है।
तो यहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस जिसमें आप 5 स्टेप पढ़ते हो, नर्सिंग प्रोसेस के असेसमेंट पढ़ते हो, डायग्नोसिस पढ़ते हो, आप प्लानिंग पढ़ते हो, आप इम्प्लीमेंटेशन पढ़ते हो और आप इवेल्युएशन पढ़ते हो। तो दीज 5 नर्सिंग प्रोसेस आज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप असेसमेंट में ऑस्कल्टेशन करते हो, पाल्पिटेशन, प्रकर्शन और ऑब्जर्वेशन, इन यहाँ से क्वेश्चंस कई बार आता, अभी भी एग्जाम में आया था, SGPJ और PJ चंडीगढ़ में भी यहाँ से क्वेश्चंस आ चुका है। तो असेसमेंट, नर्सिंग प्रोसेस। नेक्स्ट बात आती है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड सैंपलिंग। सैंपलिंग चाहे आपका ब्लड सैंपलिंग हो, यूरिन सैंपल हो, स्टूल सैंपल हो, ब्लड सैंपल हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या कोई कल्चर सैंपल हो, यहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है, ब्लड सैंपल से क्वेश्चंस आता ही आता है। नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स आपने PGI चंडीगढ़ में देख लिया होगा, आपने SGPJ में, और आप एम्स के कोई भी पेपर उठा के देख लेना, वो आपके कोड ऑफ एथिक्स जिसमें हम पढ़ते हैं कौन सा, वो माल प्रैक्टिस, नेग्लिजेंस, असाल्ट, बैटरी, जिसमें हम टोट पढ़ते हैं, इंटेंशनल, नॉन इंटेंशनल टोट, नॉन मालफेंस पढ़ते हैं, माल प्रैक्टिस, नेग्लिजेंस, असाल्ट, बैटरी, टच, ये सारी आप पढ़ते हो, लेबाइल सिलेंडर, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करके जाना, क्वेश्चंस कैसे भी दे सकता है एग्जामिनर, घुमा फिरा के दे सकता है। नेक्स्ट दो टॉपिक जो मैंने करवा दिए हैं, ईटी ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब और ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। ईटी ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब और टीटी ट्यूब की सक्शनिंग के बारे में भी क्वेश्चंस यहां से आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका वाइटा साइन हो गया हमारे, पैरासेंटेसिस एंड थोरोसेंटेसिस एंड इंटरकोस्टल चेस्ट ट्यूब ड्रेनिंग, ये तीनों आप एक साथ पढ़ सकते हो, पैरासेंटेसिस, थोरोसेंटेसिस एंड ICD, इंटरकोस्टल चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, जितने भी टाइप ऑफ ड्रेनेज है, पेनरोज ड्रेनेज, हेमोवेक ड्रेनेज, आपका इंटरकोस्टल चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी यहां से आ सकते हैं, क्योंकि एवरी ईयरली यहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन आपसे पीडियाट्रिक में भी पूछा जा सकता है, आपसे मेडिकल सर्जिकल में पूछा जा सकता है, आपसे F1 में भी पूछा जा सकता है, ऑर्थोटिकल भी पूछा जा सकता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल में आप दो पढ़ते हैं माय डियर, इन्फेक्शन कंट्रोल में मेडिकल एसेप्सिस पढ़ते हैं और सर्जिकल एसेप्सिस पढ़ते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है मेडिकल हैंड वॉशिंग और सर्जिकल हैंड वॉशिंग में कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, कितने टाइम तक करते हैं, बहुत बार फ्रीक्वेंटली हैंड वॉशिंग के स्टेप अकॉर्डिंग टू WHO क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPR। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां से CPR टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आए। आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, TPN, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। लास्ट टाइम भी यहाँ से इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आया था, तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको भी डिस्कस कर लेंगे माय डियर। नेक्स्ट है आपका एनजियोट्यूब फीडिंग एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से अभी आपने देखा होगा 3-4 एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और एनजियोट्यूब फीडिंग मैंने आपको पढ़ा दिया, एनजियोट्यूब फीडिंग और इंट्यूबेशन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ बैंडेजेस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि बैंडेज के टाइप क्या क्या होते हैं। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आप एम्स नॉर्सेट का 3 साल का पेपर या उससे 10 साल पुराना भी पेपर उठा के देखोगे ना, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से कम आपको 3-4 क्वेश्चन, ड्रग कैलकुलेशन से ही 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और ड्रग कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। केयर ऑफ द प्रेशर अल्सर, प्रेशर अल्सर से टॉपिक मिल सकता है। पोजिशनिंग से इमेज बेस्ड क्वेश्चन, कोई भी कंडीशन देख के आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। पोजीशन स्केल्स, कितने वोंग्स बेकर स्केल होता है, आपका ब्रेडन स्केल्स होता है, बहुत सारे टाइप ऑफ स्केल्स होते हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकता है। एनीमा, टाइप ऑफ एनीमा एंड एनीमा इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फंडामेंटल में एक और टॉपिक हम पढ़ते हैं, सूचर हो गया आपका, ब्लेड हो गया, ये क्लिनिकल पोर्शन है जो कि एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि, और आपका सक्शनिंग, ऑक्सीजन मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया आपका, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, वाइटल साइन हो गया, मेटाबॉलिक एसिड बेस बैलेंस हो गया, और कौन सा बच्चा आपका, TPN थेरेपी भी हो गया भाई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया आपका, IV थेरेपी हो गया जिसमें आपके कैनुला वगैरह सारे आ जाते हैं, ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस हो गया आपका, बैंडेजेज हो गया,
तो बाकी ग्लास्कोकोमा स्किल, ग्लास्कोकोमा स्किल जिसको हम नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और नर्सिंग केयर यूनिट हो गया आपका, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये फंडामेंटल के मैं तो ये बोलूँगी एक भी प्रोसीजर आपको नहीं छोड़ के जाना, फंडामेंटल में सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछा जा सकता, पूछा गया भी है पूछा जाएगा भी। तो ये ऑल ओवर हमारे थे फंडामेंटल के टॉपिक, और फंडामेंटल का काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रहता है क्योंकि एज यू ऑल नो एम्स दिल्ली क्लिनिकल बेस्ड पेपर देता है, क्लिनिकल ही फंडामेंटल में सारा क्लिनिकल सी ही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के टॉपिक के, क्योंकि मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, जैसे कि आजकल इंस्टा रील ये सब ट्रेंडिंग में चल रहा है, लाइक दैट कि इन अवर नर्सिंग प्रोफेशन मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी आजकल काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इट्स ऑन द ट्रम, ज़्यादा बड़ी नहीं है मेंटल हेल्थ नर्सिंग बट फिर भी यहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग से आपसे एम्स में सिंगल लाइनिंग क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, बट यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन करके आपको पूरा सीनेरियो दे के स्किजोफ्रेनिया से बाइपोलर से ऐसे टॉपिक से क्वेश्चंस थोड़े डीपली भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग के एक एक्ट है आपका, जो भी एक्ट है प्रोग्राम है इनके बारे में पता होना चाहिए, ICDS क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए आपका, अमेरिकन साइकेट्रिक नर्सिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट आपकी टर्मिनोलॉजी, जितने भी टर्मिनोलॉजी आपके इल्यूजन हेलुसिनेशन डिल्यूजन आओगे आपके सर्कमस्टेंसली टेंजेसली फ्लाइट ऑफ आइडिया क्लैग ऑफ एसोसिएशन ये ऑटिस्टिक थिंकिंग एम्बिवेलेंस यूफोरिया इलेशन एक्टेंसी ये सारे टॉपिक्स बहुत मतलब टर्मिनोलॉजी है ना, इकोप्रेक्सिया इकोपलेलिया ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा मतलब टॉपिक्स नहीं जो टर्मिनोलॉजी मतलब मेरा ये कहना है कि ये जो सारे टर्मिनोलॉजी साइकेट्री की यहाँ से एक या एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म से एम्स हमेशा एक क्वेश्चन देता है, लास्ट टाइम दो क्वेश्चन आए थे डिफेंस मैकेनिज्म, तो डिफेंस मैकेनिज्म आप जरूर रिवाइज करके जाएं। नेक्स्ट आता है आपका स्किजोफ्रेनिया बाइपोलर डिसऑर्डर, ये तीन चार डिजीज कंडीशन है जो कि साइकोटिक डिसऑर्डर में आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो डिसऑर्डर होते हैं आपके साइकेट्री में, एक साइकोटिक डिसऑर्डर एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर वो होते हैं जिसमें पेशेंट का इनसाइड अब्सेंट होता है, इनसाइड मतलब पेशेंट इज नॉट अवेयर अबाउट डिजीज कंडीशन, तो वो प्योरली साइकोटिक डिसऑर्डर होता है। न्यूरोटिक डिसऑर्डर जिसमें पेशेंट को एंजाइटी होती है, लाइक आपका एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, ईटिंग डिसऑर्डर हो गया आपका, OCD हो गया, ओबेसिव कंपल्सिव, ये सारे न्यूरोटिक डिसऑर्डर में आते हैं, हिस्टीरिया हो गया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये सारे आपके न्यूरोटिक में आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्किजोफ्रेनिया, टाइप ऑफ स्किजोफ्रेनिया, मैनेजमेंट ऑफ स्किजोफ्रेनिया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4A ऑफ द स्किजोफ्रेनिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका आता है बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर डिप्रेशन मेनिया मैनेजमेंट साइन सिम्टम्स कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से, पेशेंट में मेनिया वाला पेशेंट है बहुत ज़्यादा साउटिंग कर रहा है, वो वार्ड में हल्ला कर रहा है, ये तो आप नर्स का प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। डिप्रेशन हो गया आपका, डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे यही टॉपिक है आपके साइकोटिक में स्किजोफ्रेनिया बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन एंड मेनिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म की मैंने बात ही कर ली थी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हम कुछ बात कर लेते हैं ड्रग्स से, ड्रग रिलेटेड, तो लिथियम ड्रग जिसको हम बाइपोलर में देते हैं बहुत बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, लिथियम ड्रग एंटी डिप्रेशन ड्रग एंटी साइकोटिक ड्रग, एंटी डिप्रेसर और एंटी साइकोटिक, एज यू ऑल नो एंटी साइकोटिक से बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है एग्जाम, एंटी साइकोटिक से आपका क्वेश्चंस आता है एंटी साइकोटिक एंटी डिप्रेशन एंड लिथियम ड्रग। नेक्स्ट आपकी ECT थेरेपी, ECT थेरेपी एंटी डिप्रेशन ड्रग के साइड इफेक्ट और एंटी साइकोटिक ड्रग के साइड इफेक्ट एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ECT थेरेपी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जो हम सीवियर डिप्रेशन में देते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारी जितनी भी थेरेपी देते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो गया, मिलियू थेरेपी हो गया, ग्रुप थेरेपी हो गया, मराइटल थेरेपी हो गया, जितनी भी हम थेरेपी देते हैं, फोबिया वाले पेशेंट में थेरेपी देते हैं, ये सारी थेरेपी यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी से अभी भी क्वेश्चन आया था, टाइप ऑफ पर्सनी क्लस्टर ए क्लस्टर बी क्लस्टर सी जिसमें सिजोटाइपल हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जितने अल्कोहल विड्रोल, अल्कोहल विड्रोल साइकेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक क्वेश्चन जो कि आपका
जितने भी न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, हिस्टीरिया हो गया, फोबिया हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया आपका, कन्वर्जन डिसऑर्डर हो गया आपका, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसोसिएटिव फ्यूज हो गया, फ्यूग हो गया, इन सारे टॉपिक से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, टाइप ऑफ फोबिया, ठीक है। तो नेक्स्ट बात आती है हमारी थेरेपी। तो ये थे टॉपिक समझो हमारे साइकेट्री के, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। और ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक जिसमें डिलीरियम या डिलीरियम और डिमेंशिया आप पढ़ते हो, तो ये टॉपिक आपको साइकेट्री के पढ़ के ही जाने ही जाने। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। एज यू ऑल नो, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज वेरी स्मॉल सब्जेक्ट, बट लास्ट टाइम एग्जामिनर ने तो घुमा ही दिया था, क्योंकि 2021 में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से कम 12 से 15 क्वेश्चंस मायने रखते हैं, 12 से 15 क्वेश्चन, इतना छोटा सब्जेक्ट जहां से 3 से 5 क्वेश्चंस आते थे, 12 से 15 क्वेश्चन, तो एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, आपको पढ़ के जाना है। वो भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है जहां से सेक्रेटरी से क्वेश्चंस आते हैं, वो स्पेसिफिक टॉपिक है आपकी जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, एपिडेमिक, एंडेमिक, इनक्यूबेशन पीरियड हो गया आपका, इंडेक्स, प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस हो गया आपका, क्रूड डेथ रेट हो गया, ये सारे स्टैटिस्टिक्स होते हैं आपका, MMR हो गया, IMR हो गया, ये सारी डेफिनेशन है, जो टर्मिनोलॉजी है, एपिडेमियोलॉजी हो गया, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जा सकता है एग्जाम में, और पूछा भी जाएगा। नेक्स्ट है आपका वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, कोई एग्जाम नहीं है नर्सिंग का जहाँ से क्वेश्चन ना आए, टिप्स पे होना चाहिए आपको, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन को आपको टिप्स पे होना चाहिए। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं जिसमें कौन कौन सी वैक्सीन इंक्लूड है, वो भी आपको टिप्स पे होने चाहिए। नेक्स्ट बात आता है कोल्ड चेन, कोल्ड चेन जिसमें हम क्या करते हैं, स्टोरेज ऑफ वैक्सीन करके रखते हैं वैक्सीनेशन के साथ ही, जितने भी आपके चाइल्ड ICD प्रोग्राम हो गए, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो गए, कुछ प्रोग्राम्स हैं जो लेटेस्टली आए हैं, आयुष्मान भारत प्रोग्राम हो गया आपका, ये सारे प्रोग्राम्स, इनकी डेट आप जरूर याद रख लें, क्योंकि डेट एक दो एग्जाम में आ सकती है। न्यूट्रिशन गाइडलाइंस, एंटीनेटल केयर गाइडलाइंस, एंटीनेटल केयर्स की जो गाइडलाइंस है, कितना न्यूट्रिशन चाहिए, कितना कैलोरी चाहिए, वो हम OBG में भी पढ़ते हैं और यहाँ भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डायरिया, डायरिया टॉपिक हम कम्युनिटी में भी पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम पीडियाट्रिक में भी पढ़ते हैं। लास्ट टाइम डायरिया से 2 से 3 क्वेश्चन डाले थे एग्जामिनर ने, तो पीडियाट्रिक में डायरिया से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पीडियाट्रिक पर्पज से और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के पर्पज से, दोनों पर्पज से आप डायरिया को पढ़ना है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कम्युनिटी का है फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, वैक्सीनेशन और फैमिली प्लानिंग और BMW और इम्यूनिटी और आपकी जितनी भी वेक्टर बोर्न डिजीज है, यहाँ से तो क्वेश्चंस छोड़ना ही छोड़ना नहीं है। वैक्सीन, BMW, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछा ही पूछा जाएगा 101%। तो इन टॉपिक्स को प्रीवियस ईयर के कितने भी क्वेश्चंस आए इन टॉपिक से, सबको पढ़ के जाना, इस टॉपिक को बिल्कुल टिप्स भी करके जाना। नेक्स्ट आपका आता है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जितनी भी आपकी वैक्टर बोन डिजीज है, सारी आपको पढ़ के जानी है। एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी से भी कई बार क्वेश्चंस डाल देते हैं एग्जामिनर, डिजाइन कोरेन स्टडी, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन यहाँ से डाला था एग्जाम ने। डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल हेल्थ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, डिजास्टर से भी आप एक बार रिवाइज कर लेना, फेजेज ऑफ डिजास्टर, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं आपके, ये सारे टॉपिक CHN में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में इम्पोर्टेंट है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में और इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, टर्मिनोलॉजी आपको सारी पढ़नी है, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी, BMW एंड आपका फैमिली हेल्थ प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है। कुछ प्रोग्राम्स है आपका IMNC हो गया आपका, चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम हो गया, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम हो गया आपका, ये प्रोग्राम, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा प्रोग्राम हो गया, जननी सुरक्षा प्रोग्राम हो गया, NRHM हो गया, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ 2 हो गया, मतलब ये टॉपिक्स आप जरूर पढ़ के जाना, एक बार इनको रिवाइज करके जाना, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है यहाँ से। बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस करे हैं, जो रखे हैं, उनको अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो मैं बोल रही हूँ आपका NORSET में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 3 सब्जेक्ट के आज मैंने डिस्कस करे, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती, क्योंकि मुझे MSN के मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को टॉपिक बताऊँगी,
सब टॉपिक यूनिट वाइज बताऊंगी, पूरा घुसपोस नहीं करना मुझे, बहुत अच्छे से वीडियो बनानी क्योंकि नोट सेट एक अच्छा लेवल का एग्जाम है, तो उसके लिए कुछ क्वालिटी ऑफ वीडियो आपको देने चाहती हूँ मैं, इसलिए मैं स्टेप वाइज बताऊंगी। तो ये तीन सब्जेक्ट थे, मतलब एक मेजर सब्जेक्ट फंडामेंटल और दो आपके माइनर सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट आपका OBG भी थोड़ा मेजर सब्जेक्ट में ही है और MSN भी, तो उनको हम और अच्छे से सब्जेक्ट वाइज और यूनिट वाइज मैं आपको MSN के टॉपिक डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो तो देखनी ही देखनी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही जल्दी आ जाएगी, उस वीडियो को जरूर देखें। तब तक अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और फंडामेंटल के अगर आपको प्रोसीजर के नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, @medicalhub 925 सुनीता मैम के नाम से आप सर्च करेंगे, और अगर आपको ना मिले वैसे तो आप मेरी किसी भी वीडियो में देख लेना, इस वीडियो के लिंक में मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल दूंगी, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो sunita13.96, वहां पे भी आप मैं आपको ज्वाइन कर लूँगी टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आपको फंडामेंटल के इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस के नोट्स चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन एनी वेयर इन सोशल मीडिया, और बाकी आपको अगर पढ़ने हैं तो मैंने वीडियो डालती हूँ मैं रोज़ एक एक प्रोसीजर की, उससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो वो प्रोसीजर की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखी अब तक तो उससे उसको ज़रूर देखना, और अपने नोट्स बनाना और एग्जाम टाइम पे उसको रिवाइज जरूर करना। अगर और भी आपको कोई क्वेरी है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, इसी प्रकार अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।